हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस कॉमेडियन के दर्द भरे जीवन की जानकारी देते हैं जिनको लोग भुला चुके हैं। उनका नाम मोहन चोटी था। उनकी बर्बादी की दास्तां सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक गीत आपको याद होगा, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। धर्मेंद्र और माला सिन्हा की फिल्म अनपढ़ का ये गीत मोहन चोटी पर ही फिल्माया गया था। विडंबना देखिए, इतने महान अभिनेता का जन्म कहां हुआ था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी आज तक मौजूद नहीं है। कोई कहता है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, वहीं उनके साथ काम कर चुकी अभिनेत्री तबस्सुम उनका जन्म स्थान राजस्थान बताती है, तो वहीं मशहूर फिल्म पत्रिका मायापुरी में उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे अमराती को बताया गया है। पुलिस कांस्टेबल आत्माराम रक्षाकर के घर 1 जनवरी 1935 को मोहन पैदा हुए थे। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, मगर मोहन रक्षाकर का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो स्कूल जाने के लिए निकलते लेकिन वहां पहुंचते नहीं थे। इसी वजह तक वो सिर्फ चौथी तक पढ़ाई करने के बाद घर से भाग गए। पहले नाटक कंपनी में छोटा मोटा काम किया लेकिन वहां भी मन नहीं लगा। फिर उनको फिल्मों में हीरो बनने का शौक चढ़ गया तो बॉम्बे भाग गए। हालांकि माया नगरी पहुंचे मोहन रक्षाकर को हकीकत बाद में पता लगी कि हीरो बनना इतना आसान नहीं है। हीरो बनने पहुंचे मोहन जूनियर आर्टिस्ट बन गए, मगर उनके अंदर अभिनय जन्मजात था जिसकी खुशबू भी धीरे धीरे फैलने लगी। उस दौर में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ छोटे से किरदार में भी वो दर्शकों के दिमाग में रह जाते थे। इसके बाद कुछ फिल्मों ने उनको महमूद के जमाने में भी कॉमेडियन के रूप में अलग पहचान दिला दी। इनमें देवदास, मुसाफिर, कागज के फूल, चलती का नाम गाड़ी, धूल का फूल, कागज के फूल और अनपढ़ जैसी फिल्में हैं। आप सोचते होंगे कि उनका नाम मोहन चोटी कैसे पड़ा। इसके पीछे कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि उनकी एक फिल्म के किरदार में उनका नाम चोटी था, इसलिए उनका नाम मोहन चोटी पड़ गया, मगर हकीकत खुद मोहन चोटी ने ही बताई थी। मायापुरी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता मानते थे कि जिस बालक की चोटी लंबी होगी वो बहुत बुद्धिमान होगा। इसी वजह से शुरू से ही उनके सिर पर एक चोटी हुआ करती थी। जब वो बंबई पहुंचे तो यहाँ पर लोग उनको चोटी चोटी कहकर पुकारने लगे। उनको भी चोटी नाम पसंद आया और अभिनेता ने अपना नाम बदलकर मोहन चोटी ही रख लिया। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। मोहन चोटी ने खुद फिल्म बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, कर्ज लेकर दोस्तों का भी पैसा लगवा दिया। अभिनेता ने दो फिल्में बनाई, 1975 में आई धोती लोटा और चौपाटी, दूसरी थी 1977 में आई हंटर वाली। दोनों ही फिल्में सुपर फ्लॉप हो गईं और मोहन चोटी सड़क पर आ गए। भारी कर्जे में डूबे मोहन के पास गुजारे लायक पैसा तक नहीं बचा था। दो रोटी के जुगाड़ के लिए इन्होंने एक ढाबा खोला जिसका नाम था सवाल रोटी का ढाबा चोटी का, मगर उनकी बदकिस्मती कि ढाबा भी नहीं चला। अभिनेता ने और कर्जा लेकर चोटी वाला आटा के नाम से आटा बेचना शुरू किया। अफसोस, आटा भी नहीं बिका और एक वक्त का सफल कॉमेडियन दो वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया। मोहन चोटी तनाव में रहने लगे और उनको कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। उनके पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। आखिरकार साल 1992 में सिर्फ 56 साल की उम्र में मोहन चोटी की मुंबई में मौत हो गई। 60, 70 और 80 के दशक का मशहूर कॉमेडियन जिसने 300 से ज्यादा फिल्मों में लोगों को हंसाया था, उसकी मौत पर कोई उसे पूछने वाला तक नहीं था। दोस्तों, आपको मोहन चोटी की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।